उसी खबर दिखाई थी और प्रकाश उस जानकारी के साथ जुड़े थे जिसमें कि गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का की खबर उन्होंने बताई थी। साथ ही पीएम प्रणाम योजना, एक फर्टिलाइजर से जुड़ी स्कीम, उसको लेकर जानकारी दी थी। और आपको बता दें कि इन दोनों खबरों को, दोनों इन कदमों को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। प्रकाश ज्यादा डिटेल के साथ फिर से हमारे साथ हैं। प्रकाश बताइए, क्या जानकारी है? दोनों की दोनों खबर आप लेके आए थे, उस पर क्या अब मुहर लगते हुए दिख रही है? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और खासतौर पे शुगर केन सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई है। सबसे पहली खबर जो है वो शुगर केन से संबंधित है। शुगर केन फार्मर्स के लिए राहत की बात यह है कि कैबिनेट की बैठक में आज जो एफआरपी है शुगर केन सीजन 2023-24 के लिए, उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से शुगर केन, अगले शुगर केन सीजन के लिए जो एफआरपी है उसमें करीब 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसको बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा था कैबिनेट की बैठक में, वो था फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित दो स्कीम थे, वो कंपोजिट स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम के तहत, जिसके तहत जो पहला स्कीम है उसमें सरकार केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करना चाहती है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ाना चाहती है। और इसके तहत जो स्कीम का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो भी राज्य जितना केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करेंगे और उससे जो सब्सिडी की बचत होगी उसका 50% रकम जो है उनको वापिस कर दिया जाएगा एक ग्रांट के तौर पर। तो जाहिर तौर पर सरकार इसके जरिए ओवरऑल जो सब्सिडी बर्डन है उसको कम करना चाहती है। जो इसी में जो दूसरा स्कीम था वो गोल्ड यूरिया का स्कीम था, जिसके तहत सरकार की कोशिश ये है कि जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे यानी कि जो जो भी कंपनियां यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको इस बात की इजाजत मिलेगी कि वो कुछ एक्सटेंट तक एमआरपी खुद से डिसाइड करे, यानी कि वो जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसकी कीमतें ज्यादा हो सकती हैं मार्केट रेट के हिसाब से अगर आप देखें जो नॉर्मल यूरिया है उसके कंपैरिजन में। तो जाहिर तौर पे इससे सरकार के ऊपर जो सब्सिडी बर्डन है उसमें भी कमी आती हुई दिखेगी। तो ये दो अहम फैसले हैं जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब से कुछ देर बाद यानी कि 3 बजे औपचारिक तौर पर सरकार इसकी घोषणा करेगी। ठीक है, तो कैबिनेट कोई जो कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखेगी और उसमें औपचारिक तौर पर इन खबरों पर, इन अपडेट्स पर मुहर भी लग जाएगी जो प्रकाश आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि गन्ने की एफआरपी, गन्ने का एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस बढ़ाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 10 रुपये प्रति क्विंटल की यह बढ़ोतरी की जा रही है और अक्टूबर से जो सीजन जो शुरू होता है गन्ने का उसके लिए ये कैबिनेट से मंजूरी मिली है। लेकिन जो फर्टिलाइजर को लेकर जो खबर है निश्चित तौर पर वो काफ़ी उत्साहजनक है क्योंकि सरकार के सब्सिडी बर्डन में कमी आएगी और जैसा कि प्रकाश बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को सरकार बढ़ावा देगी, प्रमोट करेगी पीएम प्रणाम स्कीम की ये पूरी योजना है। और एक और चीज़ है कि यूरिया गोल्ड योजना को भी सरकार ने यानी कि कैबिनेट की जो बैठक है उसमें आज मुहर लगती हुई दिखेगी। आपको सूत्रों के हवाले से खबर तो वैसे आ ही गई हमारे पास, लेकिन फैट का शेयर